मैच में भी किसी ने किसी को प्रपोज कर दिया था, एक पता नहीं बाबे ने असलम गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक जहाँ से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तमाम मुसलमान बहन भाइयों को ईद मुबारक, अल्लाह आपकी कुर्बानियों को कबूल करे। और इतने भी गोश्त भेज दो यार, साढ़े कार भी गोश्त भेज दिया करो, मुफ्त वीडियो देख लेते हो, गोश्त भी नहीं भेज दे यार। तो आज की क्रिकेट टॉस की वीडियो में ये मिलेगा कि बर्तानिया ने, ताजे बर्तानिया ने हमें नंगा करके रख दिया, बल्कि नंगा नहीं नंगा किया, डंडे मारे और फिर नंगा गाड़ दिया हमें। ये उनकी बी टीम थी, पूरी टीम में बाबर, रिजवान, सऊद इन्होंने खेला है, बाकी पता नहीं क्या करने आए हुए थे। इधर T20 में भी कोई खास हमने को कारनामा सर अंजाम नहीं दिया, और इस तरह की आपको बहुत सारी आपको खबरें मिलेंगी। सबसे पहले मैं साकिब महमूद पे बात करना चाहता हूँ कि यार माइंड ब्लोइंग यार, ये कैसा बॉलर है इसका। फिर शोएब अख्तर ने इसके ऊपर कहा था कि ये, इसने मुझसे टिप्स ली थी कि शोएब भाई मैं बॉलिंग किस तरह बेहतर करूँ, और शोएब अख्तर ने वही कहा था कि मैंने को कहा था आपने जरा थाईज को अपने स्ट्रॉन्ग करें, छाती को मजबूत करें, ये जो आपके कंधे हैं ये आप ताकतवर करें, कंधे जरा बड़े करें अपने और आपकी बॉलिंग अच्छी हो जाएगी। और वही उन्होंने किया, और इन्होंने आपके जो साकिब महमूद है इन्होंने पूरी पासनी टीम का प्रखचा उड़ा दिया। और ये वही साकिब महमूद है जिन्होंने पेशावर सिंह में के साथ खेला था फाइनल में। और एक मैं देख रहा था पोस्ट मैच, तो होते ना बैठ के कर रहे होते बातें, तो उसमें वसीम भाई ने कहा था कि कोई पाकिस्तानी मैच कराची किंग्स के साथ, मैं कोचिंग महीना मैंने कोचिंग किया है, तो किसी एक ने भी मुझसे नहीं पूछा, उन्होंने कहा कराची किंग्स के अपने बोलों ने मुझसे टिप्स नहीं मांगी। मतलब ये किस किस्म का थर्ड क्लास हमारा क्रिकेट का स्ट्रक्चर हो चुका है। ये साकिब महमूद जो है तो कितना टैलेंटेड बॉलर, टैलेंटेड नहीं है, इज अ हार्ड वर्कर बॉलर, इसे टिप्स नहीं है। हमारे यहाँ पे ईगोज ही इतनी है, कभी आपने देखा कि जब से ये रिटायर हुए हैं वसीम और वकार, कभी आपने इनको एक साथ खड़े होते देखा है? हाँ, अगर इमरान खान साहब आ गए वो एक बात अलग है, कभी आपने देखा अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आ गए तो वो एक बात अलग है, वो रिस्पेक्ट के लिए वो दोनों आ जाते हैं, लेकिन दोनों की ईगोज बहुत तगड़ी है। यार मैं बाबर रिजवान में बात करना चाहता हूँ, यार माइंड ब्लोइंग, मुझे तो लगता है कि ये पूरी टीम में ना यही बंदे खेल रहे हैं। रिजवान की मैं बताता हूँ कि इमाद वसीम साहब ने एक दफ़ा कराची में कहा था कि रिजवान साहब की टीम में जगह ही नहीं बनती है, सुभान अल्लाह। आप मुझे बात बताए, अगर मोहम्मद रिजवान की टीम में जगह ही नहीं बनती तो ये पासिंग की टेस्ट स्क्वाड में कैसे आए 2019 में ऑस्ट्रेलिया में, जब इन्होंने 90 प्लस स्कोर कर लिया, तो फिर 50 भी की थी एक, फिर ये हाल ही में इतना अच्छा कैसे खेलना शुरू हो गए, न्यूजीलैंड में परफॉर्म कर रहे हैं, इंग्लैंड में परफॉर्म कर रहे हैं, ये अभी अब दोबारा परफॉर्म किया, इससे पहले तो परफॉर्म किया था जब स्टेडियम विले थे, फिर ये मुल्तान सुल्तान ने इनको कप्तान बनाया, ये जो लॉकडाउन से पहले मुल्तान सुल्तान के 2 पॉइंट्स है सिर्फ, वो भी हमने दिए थे, उसके बाद जब ये इधर आए यूई में कोई मैच नहीं हारे, कंसेक्टिव सारे मैच जीत के ट्रॉफी उठा के ले गए। इसमें मैं एक और नाम है कहना था, सऊद शकील, जो उन्होंने डेब्यू बड़ा अच्छा किया, मैच 50-55 स्कोर किया लेकिन 60-70 गेंदे खेली हैं। अब आप कहेंगे ले ये कौन सी 1980 की क्रिकेट है, 70 गेंदों पे 50 स्कोर। मैं आपको चीज बताऊं, जो एक समझदार बॉलर था ना, जो अकल से बॉलिंग करता है, जो जुनूनी बॉलिंग, जुनून होना चाहिए लेकिन ओवर जुनूनी ना होना चाहिए, जो जुनूनी बॉलर होता है ना उसको एक जगह पड़े ना वो पागल हो जाता है, लेकिन जो अकल से काम करता है, जो मतलब पॉइंट्स बनाता है, खुद फैसले करता है, खुद मुख्तार होता है अपने फैसले में, हर बॉल का सोचता है, अपने हिसाब से फील्डिंग सेट करके देता है, कप्तान को दे नहीं, कप्तान तुम गलत कह रहे हो, मैंने ये बॉलिंग करनी है, मुझे ये फील्डिंग सेट कर दे, इससे कप्तान को भी हौसला आता है आपके ऊपर। इनिंग्स छक्के चौके की नाम नहीं होती, इनिंग्स होती है अपनी, कभी कभार ना छक्का चौका वो मैच नहीं जिता देती, कभी कभार होता है कि आप मुश्किल वक्त से आप मैच निकाले ना और फिर आप आउट हो जाए, वो आप होते फिर असली मैन ऑफ द मैच। हमने तीसरे ओडे में 320 बाय स्कोर किया, मैं उसमें भी 150 था आपका बाबर आजम का, जो पहली उन्होंने 150 की 80 मैचों में, और 70-80 था रिजवान का, तकरीबन 230 के करीब इनका था, 100 पे आपके को 5-6 आउट हो गया, बल्कि 9 आउट हो गए 100 पे आपके, अगेन उन्होंने दोनों ने खेला, मुझे लगा 322 था चेज, ये मतलब ये जीत जाएंगे मैच, हार गए, वर्ल्ड वॉश हो गए हम, 322 हमने डिफेंड हमसे नहीं होता, यही अफगानिस्तान करता ना 322, मैं देखता कैसे अफगानिस्तान ना करता डिफेंड इसको, और सॉरी डिफेंड ना करने देता इसको, 3-0 से हम सीरीज हारे हैं, जबकि ये भी इंग्लैंड की बी क्लास टीम है, लेकिन T20 पहले T20 में लगता है उन्होंने अपना गुस्सा बड़ा निकाला, मैं बड़ा एडमायर्ड हूँ कि उन्होंने 230 स्कोर खड़ा किया है। इसमें उन्होंने जरा प्लानिंग चेंज की हुई थी बाबर की और अपनी, बाबर और रिजवान टॉप पे आए थे, उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की, बड़ा अच्छा किया, फखर को नीचे लेके आया उसने, हार्ड हिटिंग की, आखिरी की 2-4 ओवरों में हमने 70-80 स्कोर किया और 230 से कम लेके बहुत सारी हम मैच जीत गए, अपनी ब्रिची बॉलिंग की, अपनी टाइट बॉलिंग की, 200 पे
आउट कर दिया, फड़का दिया और मैच जीत गए। दूसरे T20 की जरा बात सुने, हमने अगेन बड़ी सुपर बॉलिंग, हमने अग्रेसिव बॉलिंग की, उनको जल्दी आउट किया, मैच जीते जीतने की कोशिश की, एंड पे आकर हमने 1-2 चौके खा के उनको 200 पे हमने आउट कर दिया। अब आज के दौर पे इंग्लैंड की पिचों पे 200 कुछ नहीं है। मुझे लगा कि यार 200 तो इंग्लैंड ने चेसिंग पे कर लिया, तो ये भी 200 कर लेंगे या आखिरी ओवर में थ्रिल पैदा करके उनके जीत जाएंगे। 170 पे हम आउट हो गए, बल्कि 150 भी नहीं हमसे हुआ, 50 रन से मैच हारे वो वाला। हमारे प्लेयर्स ना T20, अब ये हमारे T20 के स्पेशलिस्ट हो गए, वनडे टेस्ट का कोई प्लेयर नहीं है, बाबर भी कोई वनडे का प्लेयर नहीं है, बाबर भी कोई प्लेयर नहीं है, लेकिन इन्होंने मैं कुछ इनकी चीज़ ये कभी पाकिस्तान को मुश्किल वक्तों से बहुत कम मैचेस निकाले। फिर लोग मुझे ट्रोल करेंगे, बाबर आजम तू कह रहा है ये है वो है, बड़ा अच्छा प्लेयर है, पूरे पाकिस्तान का बड़ा अच्छा प्लेयर है। मैं मानता हूं, आई एडमिट इट, कोई बंदा मुझे डेटा निकाल दे, उन्होंने जो पहले 20-25 स्कोर किया उसमें कितने सिंगल आता है मुझे बताया, 10 सिंगल भी नहीं होते उनके, 4-5 चौके होते, 1 छक्का होता है। इतनी अच्छी इनिंग्स, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक ही नहीं है किसी के पास यार, टैप करके भागना की तरह ही हमारे प्लेयर्स को पता ही नहीं है। इसी वजह से हम ये वनडे भी आ रहे हैं, T20 भी हम हारे हैं। बस पहला मैच अल्लाह ने जिता दिया, पता नहीं किस तरह हमने जीत लिया, वरना वो भी हम वाइड ओपन थे 3-0 से। लेकिन तीसरे T20 के बाद बेची कि हमने उसमें भी बड़ी सुपर बॉलिंग की, सेकंड लास्ट ओवर में मोहम्मद हफीज ने 3 विकेट लेके मैच आ गया था, पर्सनली भी वॉन मॉर्गन को आउट कर दिया था। लेकिन वही, कोई प्लानिंग नहीं, लेग स्लिप नहीं। अगर आपको देखिए, अगर बाबर भाई को पता था कि हसन अली ने जॉकर करनी है, तो कप्तान को बता के चीज़ें होती हैं, अगर बाबर भाई ने कहा था हसन अली को भाई तूने यॉर्कर फेंकी, तो आसपास फील्डर खड़े करो यार, 400 किलोमीटर दूर फील्डर खड़े किए हुए हैं, फील्डिंग घटिया, एक दो मोमेंट पे शदाब ने या बाकी ने अच्छी फील्डिंग कर ली बस। लेकिन बॉलिंग हमने फिर मारी, बॉलिंग कुछ बेहतर थी, बैटिंग तो घटिया तरीन हमने की है बस, पहले मैच को छोड़ के वो भी अल्लाह ने जितवा दिया था हमें। मुझे बात बताएं, हमारे मिडल ऑर्डर ने टोटल स्कोर मिडल ऑर्डर का कितना होता है, कुछ 4-5 बैट्समैन होते हैं आपके मिडल ऑर्डर में, तो हमारे 4-5 बैट्समैन जो मिडल ऑर्डर के होते हैं वो कितना स्कोर करते हैं, 50-70, 50-40 आगे बढ़ते ही नहीं है वो। बाबर आजम अगेन मैं कहता हूँ यार, यही तो होती है कप्तानी, असल कप्तानी या तो जब मैच प्रेशर में तब दिखी जाती है, या जब आखिरी के 3-4 ओवर होते हैं। अब इसी में मैं आपको एक अच्छी बात बता दूं, एक लड़के ने एक लड़की को स्टेडियम में प्रपोज कर दिया था, ये शायद वही है जो आप मैं बता देता हूँ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच था, तो एक इंडियन लड़के ने एक ऑस्ट्रेलियन लड़की को प्रपोज कर दिया और उसको पटा के ले गया। इधर दो गोरों ने एक दूसरे को अंगूठिया बना के, जानू बेबी आई लव यू आई गिव दिस रिंग में वुड यू बिकम माय वाइफ, पूरा ना वो कैसे कहते हैं ना रोमांटिक सीन, जैसे कि हम सबको पता है कि हिंदुस्तान में बहुत बुरे हालात है कोविड के, और वो अब आगे आ गए हैं, और अब यूई और ओमान में वर्ल्ड कप है, लेकिन अभी तक एक सीरीज भी यूई और ओमान में नहीं हो रही। न्यूजीलैंड ने आना है सितंबर में, लेकिन पाकिस्तान आना है, 5 वनडे 3 T20 खेलने, ये तो हो रहा है ICC पासिंग के साथ कर रहा है, यही इंडिया में तो सारे सबके मैच इंडिया में होने थे, ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इंग्लैंड साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज में अगर वर्ल्ड कप हो रहा था सबने उधर जाके खेलना था। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान की होम सीरीज, यूई लगभग पाकिस्तान की होम सीरीज ही होती है, अब यूई में हो रहा है कोई नहीं आएगा। अगर आपको मेरी ये क्रिकेट पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको अगेन बहुत बहुत ईद मुबारक, अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा, और जानवरों जो ज़िबा हो चुके हैं उनको इंसानों को तरीके से ज़िबा कीजिएगा। Bitch, you wanna vibe in a high zone, yeah. Bitch, you want a piece of the pie. Shitty bitch, won't you get excited? I'm too drunk and high for this shit, baby.